हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में इंग्लिश वर्क बुक यूनिट 9 पार्ट 1 रेनी रेनी प्लीज कॉम माय हेयर। तो बच्चों, इसकी जो पोएम है वो मैंने आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सप्लेन करवा दी गई थी और अच्छी तरह समझा भी दिया था, और लास्ट मैंने बोला था लास्ट में कि उसकी वर्कबुक लेके बैठना, उसकी हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप वर्कबुक लेके बैठे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले पेज नंबर 143 ओपन करो। 143 फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नीचे देखो, आपको वर्ड्स दिए गए, लुक लिसन एंड रिपीट। नीचे जो वर्ड्स दिए गए आपको देखना है, सुनना है और रिपीट करना है वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैनी प्लीज कॉम हेयर ऑलवेज केयर, तो बाकी की जो वर्ड्स है वो आपको इसी तरह रीड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज 144 यहां पर है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। आपको करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन के सामने सही आंसर है उसके सामने जो अल्फाबेट है ए बी सी और डी, इनमें से कोई भी है तो वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। जो आप कोई अच्छी तरह समझे होंगे आपको जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से आप एक सही ऑप्शन लिख सकते हो। यहां पर है द लिटिल गर्ल वॉन्ट्स ग्रैनी टू, एक छोटी बच्ची अपने दादी माँ से क्या चाहती है। तो आपको पता होगा कि छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से उसके सिर पर जो कॉम है जो कंसका लगाना चाहती है इसके बालों के अंदर। तो फर्स्ट है ए डू हर होमवर्क, बी कट हर नेल्स, सी टेल हर अ स्टोरी और डी कॉम हर है। तो क्या चाहती है छोटी बच्ची, तो ऑप्शन डी उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी कॉम हर है तो उसका आंसर भी लिखूंगा और उसके सामने जो ऑप्शन है वो भी लिखूंगा। तो फर्स्ट का है कौन, ऑप्शन है डी। उसी तरह सेकंड नंबर पर ग्रैनी रॉब ब्लैंक इन द लिटिल गर्ल्स हेयर, जो दादी है ग्रैनी, आपको पता होगा ग्रैनी किसको कहते, दादी को कहते। तो दादी उस छोटी लड़की की बालों पर क्या रब करती है, ए फिंगर्स, बी कोकोनट ऑयल, सी कॉम, डी वाटर। क्या रब करती है, तो कोकोनट ऑयल। क्यों रब करती है, कि वो रब करती है तो उससे कैसा लगता है कि अच्छी तरह जैसे ठंडी हवा चल रही उसी तरह उसको अच्छा लगता है। तो सेकंड का आंसर लिखेंगे हम कोकोनट ऑयल। ऑप्शन है बी। फिर थर्ड नंबर पर है ग्रैनी कॉल्स द गर्ल ब्लैंक, उसकी दादी है वो बच्ची को कैसे, मतलब बच्ची को बच्ची अच्छी है या बुरी है, तो क्या कहती है उसकी दादी, ए नाइस गर्ल, बी गुड गर्ल, डी नॉटी गर्ल या डी लवली गर्ल। तो क्या कहती है उसकी दादी बच्ची को, नाइस गर्ल। थर्ड का आंसर लिखेंगे हम
फिर फोर्थ नंबर पर द लिटल गर्ल लव हर ग्रैनी बिकॉज सी जो उसकी दादी है वो छोटी बच्ची को बहुत पसंद करती है क्योंकि उसका वो ख्याल रखती है अच्छी तरह उसका वो ख्याल रखती है। तो ऑप्शन है ए हेल्प हर, बी प्लेस विद हर, सी टेक्स केयर ऑफ हर, डी टेल्स हर अ स्टोरी। तो अच्छी तरह वो ख्याल रखती है। तो फोर्थ का आंसर आएगा टेक्स केयर ऑफ ऑप्शन है सी। तो ये फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के ऑप्शन लिख दो आप, उसके आंसर बॉक्स के अंदर लिख दो। फिर उसके बाद जैसे आप हमने पहला वो स्टार्ट किया था न्यू जो वर्ड से, इसी तरह ये भी लूप लिसन एंड रिपीट, ये यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए वो सारे के सारे राइमिंग वर्ड है। उसी हिसाब से नेक्स्ट पेज पर जो टू टू राइमिंग वर्ड लिखने हैं तो उसमें से ढूंढ कर भी आप लिख सकते हो, जैसे कि बियर केयर हेयर वेयर प्लीज नीस प्लीज टीज फ्रेड हेड स्पेड थ्रेड कर गर्ल हर और पर। इसी तरह आपको नेक्स्ट पेज में जो ये सारे के सारे राइमिंग वर्ड है, इसी तरह नेक्स्ट पेज पर भी राइमिंग वर्ड्स उसमें से ढूंढ कर भी आप लिख सकते हो और उसके अलावा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज पर 145 पर राइट टू राइमिंग वर्ड्स, आपको टू टू राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है ए फ्री, उसके दो राइमिंग वर्ड लिखने हैं। ये आपको लिख के दिया है तो इसके दो राइमिंग वर्ड आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इसी तरह सेकंड लिखेंगे राइमिंग वर्ड नीज, इसी तरह सेकंड नंबर पर सेकंड नंबर का है रेड बेड, उसके अलावा भी दूसरा राइमिंग वर्ड है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। फिर उसका राइमिंग वर्ड है गर्ल कर्ल फिर और हर, फोर्थ नंबर पर है चेयर, हेयर ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो साइड के जो ब्लैंक है वो आपके लिए होमवर्क दिया है। तो आपको इसी तरह एक तो आप मैंने लिखा दिए लिखवा दिए राइमिंग वर्ड, दूसरा आपको लिखना है अपने हिसाब से, तो ये आपके लिए होमवर्क। इसके बाद उसके नीचे लुक रीड एंड लर्न, यहाँ पर लिखा है आई एम अ टीना, कोई अपने आप को कहता है तो वहां पर आई यूज होता है, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट आई एम अ टीचर
आई एम एहसान, जो अपने आप को कहता है तो वहां पर आई अल्फाबेट आया, अल्फाबेट वो यूज होता है, उसके साथ जो एम आर्टिकल है वो भी यूज होता है, आई एम टीना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि आई एम टीना, यहाँ पर टीना की जगह मेरा नाम भी लिख सकते हो, आई एम एहसान, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, इसी तरह। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर का पिक्चर है, वहां पर यू आर राज, यू आर राज, किसी आपके अलावा आपके सामने कोई पर्सन है, इसीलिए सॉरी कोई आपके सामने कोई पर्सन है तो वहां पर यू यूज होता है, यू के साथ आर भी यूज होता है। सामने वाले पर्सन को हम बताते सपोज कि मैं और मेरे सामने कोई और लड़का है तो मैं क्या कहूंगा, सपोज राज ही है मेरे सामने तो यू आर राज, और मैं अपने आप को कहूंगा तो क्या कहूंगा, आई एम ऐसा। इसी तरह सामने वाले को हम क्या कहेंगे, यू आर राज। फिर उसके बाद उसके नीचे गर्ल्स के लिए सी यूज होगा और बॉयज के लिए ही यूज होगा, सी इज अ मीना। फिर रीमा, सी इज अ रीमा, मीना, बहुत सारे गर्ल्स के लिए सी यूज होता है और बॉयज के लिए ही यूज होता है। फिर उसके बाद उसके नीचे देखो ईट, ईट कब यूज होता है तो किसी भी चीज के लिए हम ईट यूज कर सकते हो, जैसे कि इट इज अ काइट, इट इज अ एलिफेंट, इट इज अ गर्ल, फिर इट इज अ मैंगो ट्री, फिर इट इज अ रेड, इट इज अ येलो। इट कहाँ पर यूज होता है, किसी चीज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर नीचे इसी तरह ब्लैंक फिलअप करनी है तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंसेशन। आपको सही ब्लैंक के अंदर जो प्रोनाउंसेशन दिए वो फिलअप करने हैं, आई यू ही सी और इट, वो आपको फिलअप करने हैं। क्या प्रोनाउंस होगा, तो फर्स्ट नंबर पर है दैट इज अ हाउस, दैट इज अ हाउस, वह घर है। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि किसी चीज के लिए ईट यूज होता है तो वहां पर क्या आएगा, ईट, वहां पर क्या आएगा, ईट। That is house, ये एक चीज के लिए यूज होता है तो वहां पर क्या आएगा, ईट, ईट इज येलो, तो ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, ईट। किसी चीज के लिए आप बताना चाहते हो या चीज कोई चीज बताना चाहते हो तो वहां पर ईट प्रोनाउंस यूज होगा। फिर सेकंड नंबर पर टी, दिस इज मीना, दिस इज मीना, इज माय सिस्टर, इज माय सिस्टर, तो क्या आएगा, दिस इज मीना, इज माई सिस्टर। मीना कौन है, एक गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए क्या होगा, क्या यूज होगा, सी, तो गर्ल्स के लिए क्या यूज होगा, सी।
तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज मीना, सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर ब्लैंक, एम अ बॉय, माई नेम इज जय, अपने आप को कह रहा है, तो मैंने आपको बताया कि अपने आप को कह रहा है तो क्या आएगा, आई बॉय माय नेम इज जय। अपने आप को कह रहा है ब्लैक एम अ बॉय माय नेम इज जय, वो अपने आप को कह रहा है, अपने आप के लिए क्या यूज होगा, आई, क्या यूज होगा, आई, कौन सा प्रोनाउंस यूज होगा, आई, आई एम अ बॉय माय नेम इज जय। इसी तरह फोर्थ नंबर पर नितिन इज अ बॉय, ब्लैंक इज माय नितिन इज अ बॉय, नितिन एक बॉय, ब्लैंक इज माय फ्रेंड, नितिन एंड बॉय के लिए, इसका नाम है बॉय का, बॉय के लिए क्या यूज होगा, ही, बॉय के लिए क्या यूज होगा, ही इज माय फ्रेंड। फिर से आपको समझा रहे हो, अपने आप को कहना है तो आपको आई यूज करना है, फिर किसी और को कहना है, आपसे आपके सामने कोई और है, किसी सामने वाले को आप बताना चाहते हो तो उसको कहेंगे हम यू, फिर किसी गर्ल को कहना है हम लिखेंगे कौन सा प्रोनाउन, लिखेंगे कौन सा प्रोनाउन, लिखेंगे सी, फिर किसी बॉयस को कहेंगे तो वहां पर ही, पर किसी चीज को बताना चाहते हैं तो हम वहां पर लिखेंगे इट। फिर फिफ्थ नंबर पर है लुक एट दैट बस, हम किसी बस के एक चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, लुक एट दैट बस, तो उसके सामने कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट आएगा, तो फिफ्थ नंबर पर आएगा इट इज रेड। फिर सिक्स नंबर पर पिया इज क्राइंग, प्रिया कौन है, तो पिया एक गर्ल है, तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, सी, कौन सा प्रोनाउन आएगा, सी, तो वहां पर हम लिखेंगे सी। फिर सेवन नंबर पर देखो उसके सामने वाले पर्सन को बता रही है, ब्लैंक आर अ गर्ल, वो गर्ल है, उसका नाम है टीना, तो सामने वाले व्यक्ति को, तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, यू, सामने वाले व्यक्ति के लिए यू। तो ये आपको इसी तरह सेवन नंबर तक ब्लैंक सिखा दिए गए, कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज करना है, किसे आपको यूज करना है, अपने आप को कहने के लिए आई यूज करना है, फिर किसी और को बताने के लिए यूज करना है, फिर किसी गर्ल के लिए बताने के लिए सी, बॉयस के लिए ही, और किसी चीज को बताने के लिए इट यूज करना है। इसी तरह आपको 8 से लेके 15 तक के फिलिंग द ब्लैंक्स आपको अपने हिसाब से
लिखना है 8 to 15, वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज होता है वो आपको मैंने सिखा दिया, और उसके बाद ए और एन कहाँ यूज करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। जो आगे का जो ये प्रोनाउन है वो फिर से आपको कल उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको रिवीजन करवाऊंगा, फिर से एक्सप्लेन करवाऊंगा और आपको फिर से समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको वर्कबुक लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।